हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं पैलेट इकोनॉमी। क्योंकि आपको देखो इकोनॉमी के बारे में तो मालूम ही है। इकोनॉमी इकोनॉमी में तीन सेक्टर मेन तीन सेक्टर्स होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर्स में जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। पीसी कल्चर, इसको फिशरीज भी कहते हैं, फिश फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, पोल्ट्री, ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। तीसरी होती है टर्शियरी सेक्टर, सर्विसेज जो हैं वो टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। इकोनॉमी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी इस चीज से देखी जाती है कि वहां पर कोई भी चीज रॉ मटेरियल कितना प्रोड्यूस होता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी होती है। जी अगर सिर्फ रॉ मटेरियल ही प्रोड्यूस हो, मैन्युफैक्चरिंग ना हो, तो उस कंट्री की, उस स्टेट की जो इकोनॉमी है वो इतनी नहीं चलेगी। क्योंकि जो इनकम जनरेट होती है वो मेनली सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर से होती है। अब इससे क्या होता है, कोई भी प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस को मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उन पे टैक्सेस लगती है, डिफरेंट टैक्सेस लगती हैं। टैक्सेस से होने वाली इनकम प्लस इनकम टैक्स या और कई टैक्सेस होते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी लग गई, इंपोर्ट ड्यूटी लग गई, ये सारे फैक्टर्स इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं। अब पैरेलल इकोनॉमी में क्या है, एक तो टैक्सेबल इनकम है, ये टैक्सेबल का मतलब ये नहीं कि कई बार क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिलैक्स करती है कि इतने लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, इतनी छूट देनी है, तो वो पैरेलल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है, कई बार जिसके ऊपर जैसे कोई भी टैक्स जीएसटी दिया, हमने इनकम टैक्स पे किया, तो वो तो आ जाती है इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है, बन जाता है। जब टैक्स की इवेजन हो जाती है, इवेजन ऑफ टैक्स, जो भी कोई टैक्सेस हैं उसकी जो इवेजन करते हैं, तो वो बन जाती है पैरेलल इकोनॉमी का पार्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ से समझा देता हूं। मान लो आपने 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए की विड्रॉल ली, ये आपके अकाउंट में पैसे थे 1 लाख रुपया, आपने इसकी विड्रॉल ली। विड्रॉल लेने के बाद आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके आपने अपनी शॉपिंग की, कोई क्लॉथिंग क्लॉथ में लिया, आपने कोई शूज परचेज किए, कोई सैलून पे गए, किसी की सर्विसेज रेंटर की आपने, कोई भी सर्विसेज रेंटर की, जैसे ऑटो वाले की सर्विसेज रेंटर की, या कहीं आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की, इसमें क्या होता है, अगर तो हम टैक्स पे कर देते हैं फिर तो ये इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है। बिलिंग हुई, टैक्स इसका
उसने बिल काट दिया, जीएसटी वगैरह जो भी टैक्सेस है, गवर्नमेंट के टैक्सेस लगते हैं वो पे हो गए, तो फिर तो इकोनॉमी का पार्ट बन गया। अब समटाइम्स हमने, हम तो सोचते कि ये हमारी बिल्कुल सही वो है, इनकम है इस, हमें हमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इस मार्केट में सामान परचेज किया, इसका इस क्लॉथ शूज सेल कोई भी सेल पे गए, सर्विसेज ली किसी की, तो उसके उसका हमने बिलिंग ली, बिल नहीं लिया हमने, बिल ना लेने का मतलब हमने तो अपनी तरफ से पूरे पैसे दे दिए, लेकिन जो ओनर है, शॉपकीपर है या सर्विस प्रोवाइडर है, बी एट ए डॉक्टर, लॉयर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने सर्विस दी लेकिन बिल नहीं दिया हमें, तो उसने उसने टैक्स की इवेजन कर दी, वो क्या करेगा, बिलिंग नहीं कर रहा, तो वो जीएसटी या जो भी कोई टैक्स लगते हैं, अब उसे होटल में गए, बिल नहीं लिया, टैक्सेस जो भी लगते हैं जीएसटी की शेप में या और एनी अदर शेप, तो उसने इवेजन कर दी, वो जो पैसा उसके पास, मान लो यहाँ से 1,00,000 रुपए में से उसने 50,000 विड्रॉल ली थी, 50,000 विड्रॉल लेके उसने स्पेंड ये कर दिए सारे के सारे पैसे, इन चीजों पे स्पेंड कर दिए, बिल कोई लिया नहीं। इन लोगों ने जो ये सारे बंदे हैं, मैंने बोला आपको, इन्होंने आपको बिल नहीं दिया, ना ही इन्होंने अकाउंट में शो किया है, अपने अकाउंट में ना शो करना अनअकाउंटेड अकाउंट में बन जाती है, तो जब अकाउंट में शो नहीं करेंगे तो ये टैक्स नहीं देंगे, इनकम टैक्स जीएसटी या कोई भी टैक्स नहीं देंगे, उसकी इवेजन करते हैं, तो ये पैरेलल इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है। चाहे आपका ये पैरेलल इकोनॉमी का पार्ट नहीं था, लेकिन आपने बिल ना लेके इसको पैरेलल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया, इससे कंट्री की जो देखो पैसे होते हैं, कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, कोई भी घर है, जब तक इनकम ना हो, इनकम के बिना वो काम नहीं चलता, जब ये पैसे सरकार के पास नहीं जाएंगे तो उनके डेवलपमेंट के काम रुक जाएंगे और स्कीम्स रुक जाएंगी, तो ये पैरेलल इकोनॉमी बन जाती है, ये कंट्री के लिए काफी डेंजरस होती है। इसको अनअकाउंटेड इकोनॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब किसी इसको अकाउंट में जब लेते नहीं है तो इसको अकाउंटेड इकोनॉमी भी कह देते हैं, इससे जनरेट होने वाली इनकम उसको हम ब्लैक मनी कह देते हैं, ब्लैक इकोनॉमी भी कह देते हैं इन चीजों को। होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।